अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। Excuse me, अजय प्रभु, एक्सीडेंट। ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो रब ने सब अपने आप ही ठीक कर देना है। चिंता मत करो आप, सब ठीक हो जाएगा। आराम से, आराम से, आराम से, सब ठीक हो जाएगा, सब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग प्लीज अंदर नहीं जा सकते। मेरा भाई है वो डॉक्टर, वो मेरा छोटा भाई है, वो मेरा छोटा। जी देखिए, इस वक्त डॉक्टर और हॉस्पिटल के स्टाफ के अलावा और कोई नहीं जा सकता, प्लीज आप वहाँ बैठिए। ओके डॉक्टर, आप प्लीज हमें पेशेंट की कंडीशन बता सकते हैं? ऑफ कोर्स। देखिए, सड़क पे एक्सीडेंट हुआ था, वहीं पर बेहोश पड़ा मिला ये लड़का। किसी टूरिस्ट व्हीकल से टक्कर हुई थी उसकी, सिर पर गहरे जख्म है और काफी खून बह चुका है उसका। डॉक्टर, आई होप कि कोई और सीरियस इंजरीज नहीं है। देखिए, सिर में चोट लगी है इसलिए फिलहाल तो हम कुछ नहीं कह सकते, बट क्रिटिकल कंडीशन से बाहर है वो। लेकिन जब तक होश नहीं आ जाता हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, 24 घंटे तक हमें उसे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। यंग बच्चा है, उसकी बॉडी में फाइट करने की बहुत ताकत है, आप लोग प्लीज़ हिम्मत रखिए। एक्सक्यूज मी। अच्छी जी, बैठिए। रिलैक्स सांची जी, आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? अद्दू अभी क्रिटिकल कंडीशन से बाहर है, इट्स गोइंग टू बी फाइन। डॉक्टर भी होपफुल है। ओके, देवी, देवी किस्मत हमसे कुछ कहना चाह रही है शायद। क्यों? दो बार हमने आजी और नानी से बात करने की कोशिश की, पर हर बार कुछ ना कुछ होता था। शायद इस वक्त आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, शायद इस वक्त आपका मन बहुत परेशान है। किस्मत में नहीं है तभी कुछ ना कुछ होता है दीदी। कहते हैं किस्मत माथे पर लिखी जाती है, पर बनाई तो इरादों से जाती है ना, पर मेरे इरादे आज तक कोई बदल नहीं सका, आप भी नहीं। और जब आपको मना लिया तो उनका क्या है? उन्हें तो आपकी तरह गुस्सा भी नहीं रहता। साक्षी जी, इस वक्त आपका पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है, ना ही अद्दू के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, हमारे प्यार के लिए पॉजिटिव थिंकिंग की बहुत जरूरत है। ओके? नहीं लग रहा है दीदी, बहुत डर लग रहा है मुझे। इसका इलाज है मेरे पास, किसी भी डॉक्टर से बेहतर। अच्छा।
कुछ नहीं हुआ है आदू को, थोड़ी सी चोट लगी है, ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ है ना साची, चलो हम आदू को लेकर घर जाएंगे। वो अजी हॉस्पिटल में अच्छी देखभाल होगी? नहीं नहीं, घर से अच्छी देखभाल कहीं नहीं होती है, हॉस्पिटल में जो लोग जाते हैं ना वो वापस ही नहीं आते, मुझे पता है। इसकी आई और पापा दोनों हॉस्पिटल से चले गए थे। साची हम ऐसा करके अदू को घर लेके जाते हैं। वो अजी मैं उसे वापस घर ले आऊंगा, आपको मुझ पर भरोसा है ना? उसका ठीक से इलाज तो होने दो कम से कम, अब घर चलो। लेकिन वो हिल नहीं रहा है। हे अजी से सोने की इंजेक्शन दिए ना इसलिए। अच्छा तो फिर वो जाग जाए तब हम जाएंगे। अरे अजी हम दोनों है ना यहाँ, ऐसा ना हो कि वो वापस घर आ जाए और आप दोनों बीमार पड़ जाए। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, हम चलते हैं घर, चलते हैं लोग, चल चलिए अजी। चल यादव जी नीचे वेट कर रहे हैं, आपको घर ड्रॉप कर देंगे। चल मैंने नीचे छोड़कर आता हूं, चल चल। बहादुर कब तक सिपाही की तरह डटी रहेंगे? यू नो ना सिपाही को रोना अलाउड नहीं होता। को कुछ हुआ ना अलग गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ईश्वर करे किसी ने मुझे वहां देखा ना हो, सारा किस्मत ही खराब है मेरी। जब कुछ अच्छा होने को होता है तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। हेलो, हाँ मैडम, हेल्थ केयर हॉस्पिटल। हाँ मैडम, मुझे ये पूछना था कि आज एक लड़के का एक्सीडेंट केस आया होगा। अद्वैत प्रभु, तो वो कैसा है? क्या क्रिटिकल क्या हुआ अद्वैत को? ओके थैंक यू। क्या हुआ अदु को? चलिए ना, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, चलिए ना। चाहिए मुझे जो जीवन में चाहिए था वो मिला क्या? चाहिए का रोल समझाने मुझे। वो हमारे अपने हैं, हमारा परिवार। अपने होते तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं पड़ा होता। और एक बात याद रखना, तुम्हारे पति के सिवा तुम्हारा कोई नहीं है, समझी तुम? लेकिन वेकिन कुछ नहीं, हम में से वहां कोई नहीं जाएगा, बस चुप। अदु की कंडीशन बेटर हो ही नहीं रही है। 24 घंटे वेट करने को कहा है डॉक्टर ने, उसकी कंडीशन बिगड़ नहीं रही है, स्टेबल है, फाइट कर रहा है। दवाइयों को असर तो करने दो। अदु ठीक हो जाएगा ना? ऑफ कोर्स हो जाएगा। वो एक्सीडेंट का पेशेंट किधर है? अब तो वो मेरी भी जान है। Excuse me, मिस साची प्रभु आप ही हैं? जी, कहिए। आपका स्टेटमेंट लेना है मैडम, क्या आपको पूरा भरोसा है ये एक्सीडेंट ही है? हाँ?
नहीं, आपकी किसी से कोई दुश्मनी या किसी पे कोई शक? दुश्मनी, शक, क्या क्या कह रहे हैं? मैं कुछ इंस्पेक्टर साहब, ये इस वक्त स्टेटमेंट देने की हालत में नहीं है। मैं इनका फैमिली फ्रेंड हूँ, जैसे इनके भाई को होश आ जाएगा मैं आपको फोन कर दूंगा, तब स्टेटमेंट ले लीजिए। अरे लेकिन सर, आपको कोई भी स्टेटमेंट चाहिए या सही स्टेटमेंट चाहिए? इस वक्त वो अपने आप में नहीं, भाई की चिंता में परेशान हो रही है, समझिए सर। ठीक है, अब सेंट्रल मार्केट के थाने में फोन कर दीजिए। ठीक है सर, चलो। रूटीन इंक्वायरी होगी, पेशेंट की दवाई ले आइए आप। मैं लिख लूंगा। से बात करना है मुझे। तूने तूने भी उस फ्लाइंग स्कूल के बारे में बताया था ना? तुझे पता है? मैंने ना उससे भी बेटर फ्लाइंग स्कूल ढूंढ के निकाला है। हाँ, इतना बड़ा है, इतना सुंदर है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं भी वहाँ एडमिशन ले लूँ। हाँ, पता है मुझे तो क्या सोच रहा है? यही ना कि ताई तो कॉलेज में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। ठीक सोच रहा है तू, इतनी जल्दी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी तेरा पीछा। अच्छा है मेरा तू आज बच्चे की तरह पाला है मैंने तुझे, ऐसे कैसे तुझे कैसे जाने दूंगी तुझे? मैं भी आऊंगी तेरे साथ, मैं भी आऊंगी। उठना बाड़ा, उठ जा बेटा, उठ जा। आदू, आदू,
बताइए ये सब कैसे हुआ? साइकिल पर जा रहा था, कार से एक्सीडेंट हो गया, बेहोश पड़ा मिला रास्ते पर। बस बस मत कर ऐसा बेटा, प्लीज प्लीज। ताई आप चिंता मत कीजिए, अदु विल बी फाइन। आप मुझे बोलिए, रुपया पैसा आप इसकी कोई चिंता मत कीजिए, मैं दूंगा जो भी खर्चा हो। After all, I'm also family. ताई, डॉक्टर ने क्या कहा है? 24 घंटे वेट करने को कहा है, 12 घंटे तो हो गए, अभी भी होश नहीं आया है इसे। अगर नहीं आया तो हम इसे किसी बड़े महंगे हॉस्पिटल में ले जाएंगे। Don't worry, ताई। कितना पैसा लगेगा मैं दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। क्या हुआ, कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? पेशेंट का टेस्ट करना है। डॉक्टर डॉक्टर सब ठीक तो है ना? घबराइए नहीं, रूटीन प्रोसीजर है। डॉक्टर डॉक्टर देखिए, जब तक 24 घंटे पूरे नहीं हो जाते हम कुछ नहीं कह सकते। प्लीज एक्सक्यूज मी। अदु, ये अच्छी जी कहाँ लेकर जा रहे हैं उसे? टेस्ट के लिए लेके जा रहे हैं। किसी को साथ होना चाहिए, मैं जाता हूँ। नहीं मैं जाता हूँ। साची जी चलिए कुछ खा लीजिए। नहीं नहीं दीदी, प्लीज मुझसे नहीं खाया जाए। ताई आप प्लीज कुछ खा लीजिए। नहीं नहीं प्राची, रहने दे, सच में मुझसे नहीं खाया जाएगा। ताई मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ और आपको खाना ही पड़ेगा। डीवी आप ताई के साथ रुकना, कुछ भी जरूरत पड़ सकती है। ओके ताई, मैं लेकर आती हूँ। खेलता मेरा भाई, पानी किसकी नजर लग गई उसे, शायद मेरी ही नजर लग गई। अपनों की नजर नहीं लगती, अदु को कुछ नहीं होगा। ताइश टाइम पेपर पर लिखवा दीजिए। तुम्हें कैसे पता? वकील हो, डॉक्टर नहीं हो। पर आपको तो जानता हूँ, अदु की बहन से कोई पंगा नहीं ले सकता, कॉर्ड भी नहीं, तब की बैंड बजा देती है, उसके गुस्से से सब डरते हैं। आदु को तो ठीक होना ही है, पर आप देखना, एक हफ्ते के अंदर वो फुटबॉल खेलते हुए दिखाई देगा। ओ आई एम सॉरी सॉरी, फुटबॉल नहीं, डेकोरेशंस करता हुआ दिखाई देगा। क्या कह रहे हो? क्योंकि तब तक हमने आजी नानी को सब कुछ बता दिया होगा, सब लोग हमारी शादी की तैयारी कर रहे होंगे, और हम हनीमून की। मैं जानती हूँ, मुझे बहलाने के लिए तुम ये सब कुछ कह रहे हो, पर इस समय मेरा मन नहीं कर रहा है ये बातें करने का। भगवान आदु को ठीक कर दे बस। ताई देखो ना, आदु को, ताई ताई क्या हुआ? नहीं वो आदु 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 को क्या? नहीं आदु को आदु को आदु को क्या 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 हुआ आदु को? नहीं नहीं आदु को होश आ गया है।